समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सरकार के खिलाफ निशाना साधा है और किसानों की आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के आह्वान पर सोमवार को तहसील पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तहसीलों पर भी सपा नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अराजकता की स्थिति है, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कई हजार मौतें हो चुकी हैं, अस्पतालों में इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है, दो मंत्री भी अपनी जान गंवा बैठे हैं जबकि अन्य कई संक्रमित पाए गए हैं, वेंटिलेटर पीपीई किट का अभाव है, जहां वेंटिलेटर है वहां स्टाफ नहीं है, व्यवस्थाएं सेवाएं चरमरा रही हैं। प्रदेश में वही अस्पताल है जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय पर बने थे, वही कैंसर अस्पताल का आज तक सुचारू रूप से संचालन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान बदहाली का शिकार है, सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया अदा नहीं कर सकी है, ब्याज की बात तो दूर, किसानों को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव मतलब प्रदेश में एक जंगल राज की स्थिति है, विकास नाम जीरो है, तो भैया तुम अपने मोबाइल पर करो, बिजली के नाम पर लूट है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं शोषण है और गरीब के लिए कोई सहायता नहीं, किसान संबंधित कोविड के नाम पर कोई दवा नहीं, किसानों के नाम पर बिजली अगर ट्यूबवेल उनका लगा है तो उनसे कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है बिजली का बिल इतना नहीं इतना करो, फसलों के नाम पर अगर बात कर लें तो आज बीज तिगना महंगा, उर्वरक दुगना महंगा और ये जो बिल पास केंद्र में हुआ है ये बहुत बड़ा किसान विरोधी है और किसानों की लूट पूंजीपतियों के द्वारा भूख, MSP एक बहाना है। आज किसान अगर देश में कोई चीज़ बेचने जाएगा तो MSP के माध्यम से नहीं खरीदेंगे, या तो सरकार ये कहे कि उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा जो MSP के रेट से न्यूनतम मूल्य जो तय किया उससे कम में खरीद करेंगे, अन्यथा ज़्यादा में खरीदेंगे, ये सरकार कहे। एक सवाल मेरा यह है, अमरोहा के धनौरा एक विधानसभा है उसमें किसानों ने बोर्ड लगाए हैं, बीजेपी वालों का गांव के अंदर आना मना है और बिल वापस नहीं लिया गया, तो 2022 में के बाद का चुनाव हमने देखा है, मतलब बहुमत के नशे की मद में मस्त ना रहे, मद मस्त ना रहे, जब जनता बदला लेती है तो उसी तरह से लेती है जिस तरह उस वक्त 356 की पार्लियामेंट आई थी, इंदिरा जी के खिलाफ आई थी, इमरजेंसी के खिलाफ आई थी, आज इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं, आज हिटलर शाही नहीं हिटलर शाही से भी बदतर हैं, लेकिन लोग हिटलर शाही का इतिहास पढ़ रहे हैं कि हिटलर शाही की जिंदगी का वक्त देखा है लेकिन आखिर लोगों ने पढ़ा नहीं। प्रदेश सरकार कह रही है कि हम एक महीने में 75% युवाओं को रोजगार देंगे, इसको क्या मानते हैं? तो लगातार 3.5 से युवा देख रहा है, 3.5 साल से युवा देख रहा है कि 75% मिल गए, जो हमारी सरकार में की गई नियुक्तियाँ थी 2017 में उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र ना दे पाई, तो क्या 3.5 साल के बाद में नियुक्तियाँ करने वाले लोग ये नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे? टेक्निकल कमी छोड़ देंगे, लिकौना छोड़ेंगे, उसमें लिकौना छोड़ने के बाद में वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट उस व्यवस्था को ध्यान में रखते उस पर स्टे कर देगा। धन्यवाद। पुलिस के हों, SDM हों, CO हों या और अधिकारी हों, सारे के सारे अधिकारी सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और जो जनता के विरोध के काम है जो ये सरकार कर रही है, जैसे अभी संसद के अंदर बिल पास हुआ किसान विरोधी बिल, वो बिल कि अब किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह जिएगा, एक बाहर का कॉरपोरेट आएगा और वो आकर जमीन के लिए उसे ठेके पे दे देंगे, कॉरपोरेट को, अडानी जी को, अंबानी जी को या किसी बड़े उद्योगपति को पूरे जनपद में दे देंगे और वो पूरे जनपद में खेती करेंगे और किसान को उसकी मजदूरी की तरह से उपयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे बिलों का विरोध कर रही है। आज हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, बाढ़ आ गई पूरे उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम पे ध्वस्त है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी
कानून व्यवस्था के नाम पर ढकोसला कर रही है, और दूसरी तरफ मैं सवाल करता हूं इसी जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन, जो किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो, रोजाना 500 आदमी के धरने प्रदर्शन करती है और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। ये इनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में भी खुद काम करती है और विपक्ष की भूमिका में भी खुद ही रहनी चाहती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है इस लॉकडाउन के अंदर वो हजारों बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार हो गए उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है कि 5 साल तक आपको संविदा के तौर पर रहना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, संविदा के तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान है, अगर वो नौकरी है, उनका पूरा सपना तोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जात बिरादरी धर्म मजहब इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, वो गरीब छात्र जो बेचारे आज अपने स्कूलों की फीस नहीं दे रहे, मनमाने ढंग से जो प्राइवेट स्कूल है बच्चों से फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो हर परिवार वाले की जितनी फीस है प्राइवेट स्कूलों को अपने पास से जमा करे, क्योंकि टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में है वो प्राइवेट स्कूल वालों से सैलरी मांग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि या तो फीस बच्चों की अपनी तरफ से भरे या प्राइवेट टीचरों को तनख्वाह देने का काम सरकार करे। लगातार उत्पीड़न किसानों के बिजली के नाम पर पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ विजिलेंस का इस्तेमाल एक जात समुदाय के लोगों को उत्पीड़न करने के लिए, दलितों को उत्पीड़न करने के लिए ये यहां पर किया जा रहा है। आज बिजली के नाम पर लोगों के लाखों लाखों असेसमेंट बना दिए जा रहे हैं, जो बिल नहीं दे पा रहे लॉकडाउन की वजह से। गरीब किसान जिनकी खेती बर्बाद हो गई उनके नाम पर FIR की जा रही है, उन्हें लाख डेढ़ लाख के जुर्माने किए जा रहे हैं। पुलिस उनके घरों में बिजली के थाने बनाकर रोजाना पुलिस उनके घरों पर जाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी सबका विरोध करती है। जो धरना प्रदर्शन हमारा था उसे तानाशाही के बल पर, पुलिस के बल पर रोकने का काम किया, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार को जवाब देगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उस उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो आज सरकार के बल के ऊपर, सरकार के इशारों के ऊपर लोगों के खिलाफ अनगिनत मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी जो लोगों को जबरदस्ती झूठे केसों में फंसाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे जितने भी लोग होंगे उनके खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। मैं आपको पूरा आश्वासन दिलवाना चाहता हूं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।